मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना तो आप प्रेशर लेते नहीं है बिल्कुल नहीं लेता हूं एक पैसे का नहीं लेता हूं वो भी बंद नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक माहौल में कुछ नहीं बंद होना चाहिए सबको चलते रहना चाहिए तुम फिल्म बनाओ तुम क्रिटिसिज्म करो कई बार हम देखा गया कि धो दिया और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। अभी मुझे लगा कि क्रिटिक्स बार बार ना सेंस की बात करते हैं नॉनसेंस बहुत मजेदार होता है सेंस बोरिंग होता है। नमस्कार दर्शकों मैं हूँ नाविका कुमार और मेरे साथ आज वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी जी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि किस हद तक आप लोगों के दिल में उतर चुके हैं। मैं कक, आया सोच शुरू भी नहीं हुआ था, मैं गुस्सा बजाने लगे, तो मुझे लगा कि सौ डेढ़ सौ लोग हैं, बाद में पता नहीं है सोलह सत्रह ही, पर जोश बहुत थी। थैंक यू लेकिन यू। बजाने लगे आपने कहा, ताली बजाने लगे, हाँ, हाँ।, हाँ। कालीन भैया के नाम से आप मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी जी सिर्फ कालीन भैया का जो रोल है वो नहीं सुल्तान कुरैशी के नाम से भी मशहूर हैं पंकज त्रिपाठी और कहते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की अदाओं पर लोग मरते हैं उनके हाव भाव के लिए दर्शकों के दिल में एक छाप होती है लेकिन कुछ एक एक्टर एक हैं राजेश खन्ना साहब देवानंद साहब शाहरुख खान और पंकज त्रिपाठी आप हर फिल्म में एक नई अदा के साथ आते हैं और अपनी याद लोगों के दिल में छोड़ जाते हैं मैं कालीन भैया कुरैशी हाल ही में कड़क सिंह आपने किरदार निभाया था मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इन सब के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ फिट होते हैं और आपने इस रोल को कैसे सोचा कैसे समझा कैसे ये ऑफ़र आपको मिला इसके बारे में कुछ जी मैम अभी तक मैंने जितने किरदार किए हैं जिनके नाम आपने दिए वो सब फिक्शनल थे काल्पनिक लोग थे वो रियल लोग नहीं थे वो एक राइटर के क्रिएशन थी और मैं भी इमेजिनेशन से उनको परफॉर्म कर कर लिया यहाँ अटल जी ये फ़िक्शनल किरदार नहीं है एक बहुत ही लेजेंडरी बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व थे जो राजनेता और देश के प्रधानमंत्री हुए जो लंबे समय तक विपक्ष में रहे फिर पक्ष में रहे या फिर पत, पंथ प्रधान बने प्रधानमंत्री बने तो ये रियल व्यक्तित्व है तो इसलिए चुनौतियाँ बड़ी थी उन किरदारों के बनस्पत तुलना में क्योंकि यहाँ अब लोग मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं, मैं कितनी मैनरिज्म कर रहा हूँ उनकी वॉइस को टोनालिटी को उनके मैं बिहेवियर को कितना पकड़ रहा हूँ कितना इमिटेट कर रहा हूँ कितना मिमिक्री कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत लोगों ने वीडियो फॉर्मेट में देखा है बट अगेन ये फिल्म रूपांतरण है अटल जी का कोई अटल जी नहीं है पंकज त्रिपाठी अटल जी के किरदार को प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं तो सवाल आपका आई थिंक इतना ही था तो चुनौतीपूर्ण था और उस चुनौती को हमने अपने तरीके से कंसीव किया लिया और परफॉर्म किया है जो अब 19 जनवरी को लोग आएंगे देखेंगे और फिर राय देंगे और क्रिटिक्स की राय से प्रेशर होता है ना पहले होता था अब नहीं होता है अब क्यों नहीं होता है क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो आ, कौन है क्रिटिक्स जो क्रिटिक्स कर रहा है उसको भी समझ लो एक बार कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्यों है फिल्मों में क्रिटिक्स एक पेशा हो सकता है जो है ही एक प्रोफेशन है कि क्रिटिसिज्म करना फिल्मों का पर फिल्म बड़ी हार्डवर्क का काम है खराब फिल्म बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत पे कोई ऐसे एक लाइन में उड़ा दे कि एक बकवास पिक्चर है ना तो लगता है कि इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन श्रम का कदर नहीं हुआ पर आपको पसंद नहीं आई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ये गो बाय योर रिस्क मत लिखो आपको पसंद नहीं आई तो दूसरे को आप दूसरे को पसंद भी आ सकते हैं जो प्रोफेशन है ये आपके हिसाब से बंद हो जाना चाहिए।, फिल्म्स वाला नहीं, चाहिए नहीं नहीं वो भी बंद नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक माहौल में कुछ नहीं बंद होना चाहिए सबको चलते रहना चाहिए तुम फिल्म बनाओ तुम क्रिटिसिज्म करो हाँ। और सब चलते सब रहे सब चलते रहे भाई उसका रोजी रोटी भी तो है वो क्रिटिसिज्म लिखने कहीं तो उसको पाँच सौ हजार पांच हजार दस हजार से, से मिलते होंगे तो उनकी रोजी रोटी है ये हमारी रोजी रोटी है। पर असर होता है उनकी रोजी रोटी कमाने में आपकी रोजी रोटी पर नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं होता है Critics, कई बार हम देखा गया है धो दिया और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई <laughs> हाँ

डिसाइड की कि आपको ये करनी है तो अटल जी के किरदार को आपने कैसे पढ़ा आप ए में रह चुके हैं आ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और आ, एक तरह से नेता बड़े वो रहे हैं और सब लोग देखते रहे पर कभी उनसे रूबरू मुलाकात हुई मैनरिज्म्स देखने के लिए आपने कोई न्यूज़ रील्स देखी कुछ देखा मैंने आप, आप... तैयारी के दरमियान यूट्यूब पर कुछ उनके स्पीचेज और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स देखे जो पार्लियामेंट के भाषण है अंदर संसद के और जब विद्यार्थी परिषद में था तो मेरे प्रिय नेता थे बहुत प्रिय नेता थे फिर मैं मेरी रास्ता अचानक वो राजनीति से मुड़ के रंगमंच की तरफ अभिनय की दुनिया में चली गई तो सब छूट गया अटल जी नहीं छूटे हम तो फिर हमने अपना मार्ग ही बदल दिया हम रा, 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 राजनीति में नहीं रहे सिनेमा में आ गए मार्ग मार्ग मार्गल तो मत... भी चल सकते ना? नहीं अब, अब भी तो होता है नहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे से हो मेरे से नहीं हो पाएगी राजनीति बहुत 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 सेंस है। आ, हाँ, वहाँ बहुत सेंस है है कमिटमेंट है एक व्यक्ति आपके बंगलों के बाहर अगर मान लीजिए आप सांसद हैं नेता है जनप्रतिनिधि हैं और एक व्यक्ति आके बाहर बैठा है किसी समस्या को लेकर मिलने के लिए और मैं मैं ना मिलू मुझसे नहीं रहा जाएगा तो मिलना तो चाहिए पर एक नेता की भी तो अपनी लिमिटेशन है ना कितने लोगों से मिलेगा दिन भर उनका भी तो अपना जीवन है उनको भी तो सात घंटे सोने हैं आठ घंटे सोने हैं उनका भी परिवार है भोजन है हम अभिनेता हैं आज प्रमोशन में घूम रहे हैं कटोरे में खाना लेके गाड़ी में खा रहे हैं कहीं से कुछ कर रहे हैं ये जीवन नहीं है ना जीवन तो एक व्यवस्थित होना चाहिए कि दिन में ब्रेक मिले समय से सो जाएं बच्चे के साथ खेलने जाएं लेकिन जब सामाजिक जिम्मेदारी होगी तो इसका संतुलन गड़बड़ हो जाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ इस संतुलन को बनाने में और दूसरा मैं चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा फिल्म उन्नीस जनवरी को आ रही है बाईस जनवरी को इस देश में और भी बहुत बड़ा आ, एक दिन है जिस दिन आ, राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है वो वीकेंड आपकी फिल्म का भी वीकेंड है और प्राण प्रतिष्ठा का भी वीकेंड है मंडे को होगा ना शायद मंडे में सोमवार हाँ हाँ ये संयोग है महज सुखद संयोग है आपको लगता है आशीर्वाद भी है बिल्कुल मतलब आशीर्वाद हमें आशीर्वाद ही है हमें तो मालूम नहीं था कि कौन सा डेट निर्धारित होगा हमारी फिल्म 25 दिसंबर को आनी थी पर चूंकि वी बड़ा हो गया इसमें 60 मिनट का वी था अब 104 मिनट हो गया है तो उस चक्कर में फिल्म रेडी ही नहीं हो पा रही थी पच्चीस दिसंबर तक फिर बारह दिसंबर का डेट निकला फिर भी जनवरी फिर लगा तब भी नहीं होगी तो उन्नीस आया बट सुखद संयोग है राम जी की कृपा है आशीर्वाद रहेगा राम जी का पर आ, आप जिस तरह से कह रहे हैं राजनीति से आपको डर लगता है आजकल तो हर चीज़ में राजनीति है कुछ बोलिए राजनीति साथ है सोशल मीडिया साथ है हाँ लोकतांत्रिक दुनिया में अभी दुनिया को चलाने का एक वही है अब नज़रिया है देखने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ में राजनीति है हर चीज़ में हर व्यक्ति का कोई इंटेंशन भी होता है हर चीज़ में एक मोटिवेशन भी होता है हर चीज़ में एक अर्जेंसी भी होती है तो ये एक्टिंग की क्लास है मैं एक्टिंग की बातें कर रहा हूँ अभी जो एक्टिंग में हमें सिखाया गया था कि बहुत सारे पहलू हैं इनका ध्यान रखना कुछ एक्टिंग के भी छात्र हो ना दो लोग तो राजनीति तो है ही हर चीज़ में और इन दिनों थोड़ी ज़्यादा राजनीति हो गई है चुनाव भी आने वाले चुनाव की वजह से नहीं इंटरनेट आ गया सोशल मीडिया आ गया तो मतलब हर कोई सात सात घंटे ड्यूटी दे रहा है उधर बैठ के और उसने बोला कि तुम्हें राय देना है तुम राय दो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है तुम्हारे लिए कि तुम राय दे सको अब हर इंडिविजुअल को लगता है राय दूंगा ठीक नहीं है उसको ठीक से अपना ही बारे में नहीं पता है लेकिन वो संसार के बारे में कमेंट कर रहा है आप चुनाव से पहले एक पोलिटिकल फिल्म और चुनाव और आजकल तो यही कहा जा रहा है हमारे देश में कहीं पर लोकतंत्र नहीं बचा आप अपने मन की बात नहीं, नहीं कह सकते आप इस समय में एक ऐसे मैम इंटरनेट खोली हर कोई आदमी अपने मन की बात कह रहा है जिसको जो <laughs> जो मन आ रहा है वो बोल रहा है लिख रहा है आप अपने ही ट्वीट के नीचे जाके पढ़ लीजिएगा मैं अपने ही जाके नीचे पढ़ लूँ रोका है किसी ने जिसको जो मन में आता लिख के चला जाता है तो हमारी फ़िल्म एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं है एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व की फिल्म है जिनके जीवन में पॉलिटिक्स, चूंकि वो पॉलिटिकल व्यक्तित्व थे तो हमारी फ़िल्म का इरादा अटल जी की कहानी को उनके चुनौतियों को बटेश्वर का वो अटल जो एक बच्चा था जिसने पहली कविता नाइन्थ आठवीं क्लास में लिख ली और उसको बोलने में उसको कितनी आ, कैसा हुआ था एक्सपीरियंस तो उस अटल से श्रद्धे सूरी अटल बिहारी वाजपेयी बनने की यात्रा है कि कैसे वो संपत्रकार पत्रकार बने संपादक बने परिवार कौन था दुनिया क्या रही जर्नी कैसी बनी पिताजी से क्या वास्ता था फिर राजनीति संघ फिर इतने कठिन निर्णय और इन निर्णयों के बीच में वो व्यक्ति कौन था कमाल का कवि था पोएट एक पोएट जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट्री है कवि और न्यूक्लियर टेस्ट तो दो पोल लगते हैं क्या मनोदशा रही होगी वो निर्णय करते वक्त तो ये अटल जी की कहानी हम दिखा रहे हैं हम उन आम लोग उनके स्पीचेज उनकी कविताएं जानते हैं जो पब्लिक फोरम में है पार्लियामेंट की हो या यूट्यूब पे हो हम उनकी कहानी दिखा रहे हैं जो लोग नहीं जानते हैं पंकज त्रिपाठी जी फ्रॉम पोएट टू प्राइम मिनिस्टर ये अटल बिहारी वाजपेयी की दास्तान रही है मैं पोइट्री की आपने अगर बात की तो मैं पूछना चाहती हूँ कई पोइम्स आपने फिल्म में भी कही होंगी आपके दिल के करीब की कोई ऐसी आ, कविता मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना ये अटल जी की कविता है अटल